हमारे लिए आज की अंजील मुक़दस यूहन्ना पाँच बाप तैतीस से छतीस आया तक तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी है गो मैं अपनी नस्बत इंसान की गवाही मंसूर नहीं करता तो भी मैं ये बातें कहता हूँ ताकि तुम न जात पाओ वो चलता और चमकता हुआ चराग था और तुम्हें पसंद आया कि थोड़ी देर तक उसकी रोशनी से खुश रहो लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो योहन्ना की गवाही से बड़ी है क्योंकि जो काम मेरे बाप ने मुझे पूरे करने को दिए यानी यही काम जो मैं करता हूँ वो मेरी गवाही देते हैं कि बाप ने मुझे भेजा है पाकलाम कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो ख़ुदा का शुक्र हो गुड मॉर्निंग प्यारे भाई और बहनों हम आमद के तीसरे हफ़्ते की जुमे की आबादत में शामिल हैं और आमद का ये मौसम हमें याद दिलाता है कि अब हमारा खुदा यास्म सी हमारा निजात हिंदा बहुत जल्द आने को है और हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि हम उसको खुश आमदीद कहने के लिए न सिर्फ जस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर अपने आप को तैयार करें क्योंकि आमद के मौसम में तब्दीली तोबा रियाजत और दुआ पर जोर दिया जाता है ताकि हम अपने आप को वैसे ही पाक करें जैसा हमारा खुदावंद है प्यारे भाई और बहनों आज की पहली तलावत अशाय नबी के सहीफा में से ली गई है अशाय नबी खुदावंद यसुमसी की आमद की बाबत ऐसी सफ़ात हमारी निजात के भेदों गैर कौमों के बलावे कलिसिया की दायमी फ़तेहमंदी की बाबत बड़ी खूबसूरती से पेश नगोई करता है ऐसा नज़र आता है कि वह पुराने अहदनामे का नबी नहीं बल्कि अंजील नवीस है आज का जो इकतबास पढ़ा गया है वो इशाया नबी के तीसरा हिस्सा में से है जो जलावतनी के बाद खुदा का वादा दुनिया की निजात और हमारे खुदासम सी में पूरा होता हुआ हमें नज़र आता है आज खुदा ख़ुदा फरमाता है कि हम अदल को बरकरार करें और सदाक़त को काम में लाएं क्योंकि हमारी निजात आने के करीब और हमारी सदाक़त ज़ाहर होने के नज़दीक है प्यारे भाई और बहनों खुदा यसुम आज की अंजील मुक़दस में जो यौहना की अंजील के मुताबिक है उसमें अपने आप को हम पर वाज़ तौर पर ज़ाहर करते हैं और खुदा मन सी इस बात से बखूबी वाक़ हैं कि जिस मकसद के लिए उन्हें दुनिया में भेजा गया है वो मकसद खाल के कायनत खुदा बाप की तरफ़ से उन्हें सौंपा गया है और जब वो यहूदियों को ये बात बता रहे हैं तो यहूदी इस बात को समझ समझने से कासर है इसलिए क्योंकि उनकी रवायत के मुताबिक किसी भी शख़्स की बात को कबूल करना दो अश्कास की गवाही होना उसके लिए लाजमी है और ख़ुदासम सीह यहाँ पर युहना इस्तबागी का हवाला देते हैं और युहना इस्तबागी को जलता और चमकता हुआ चिराग कहते हैं ये यौना इस्तबागी वही है जिसके बारे में हमने इतवार को सुना था कि खुदा यसम सी उसके बारे में बताता है कि ये वो है जो नूर नहीं है जो मसीहा नहीं है बल्कि खुदा ने उसे अपना प्याम्बर बनाकर भेजा है ताकि वो उसके मसीहा के लिए राह तैयार करे यौना इस्तबागी इस बात को समझते हुए बड़ी हलीमी और फरोतनी से तोबा और ख़ुदा की बादशाहत के नज़दीक होने की मुनादी करता है आज जब खुदासुम अपने आप को दुनिया पर और हम पर आशकारा करते हैं तो खुदासुम सी ये बात हम पर वाज़ा कर देना चाहते हैं कि योन्ना ने जिस मसीहा के बारे में ये कहा था कि जो मुझसे बाद में आता है वो मुझसे मुकदम है मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूती का तस्मा खोलूं। यौना यह बात वाज तौर पर हलीमी और फरोतनी के साथ कहता है क्योंकि वह जानता है कि वह मसीहा नहीं वो जानता है कि वह नूर नहीं आज जब खुदा खुदासम सिहना को जलता और चमकता हुआ चिराग कहता है जिससे लोग थोड़ी देर तक महसूस होते हैं उसकी रोशनी को कबूल करते हैं उसकी रोशनी से खुश होते हैं लेकिन खुदासम सि दुनिया का नूर है और वो नूर खुदा ने दुनिया में भेजा है इसलिए खुदासमसी उस नूर के बारे में कहता है कि यहाँ वो है जो योहन्ना से बड़ा है और वो अपने आप से नहीं बल्कि बाप ने उसे भेजा है और वो जानता है कि जो काम बाप ने उसे दिया है उसे हर सूरत में उसने पूरा करना है आइए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि हम खुदा को कैसे कबूल करते हैं कैसे उसको पहचान रहे हैं क्या आज हमें भी ख़ुदासुम सीख की को पहचानने के लिए उसकी बातों को पर ईमान लाने के लिए किसी की गवाही की ज़रूरत है अगर ऐसा नहीं है तो हम ये बात जान लें कि खुदासुम सिख इसराइल का बकिया जमा करने के लिए आया है और खुदा उसे वहाँ जमा करेगा जहाँ वो खुद है और वो तमाम लोगों को इकट्ठा करेगा और जब वो उसकी इबादत करेंगे तो वो घर खुदा का घर होगा हम उसके घर में इबादत के लिए आए हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में इस बात को कबूल करें और जानें कि जब हम उसके उसकेज़ूर सच्चे दिल से इबादत करते हैं उसके निजात दहिंदा को कबूल करते हैं और जब उसके निजात दहंदा को कबूल करते हैं तो यकीनन हम मुबारक लोग हैं